लक्षद्वीप से सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता को एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है। फैजल की सदस्यता को लोकसभा सचिवालय ने बहाल किया। इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या राहुल गांधी की लोकसभा सांसद की सदस्यता को भी बहाल कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें भी कोर्ट द्वारा एक मामले में सजा सुनाए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके सांसद के पद से अयोग्य ठहरा दिया गया था। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के साथ ही मोहम्मद फैजल एक बार फिर से सांसद पद पर सक्रिय हो गए हैं। दरअसल फैजल ने अपनी लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद इस मामले में खुद ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई जारी है। फैजल को हत्या के मामले में आरोपी बनाया गया था और इस मामले में फैजल समेत चार लोगों को सजा सुनाई गई थी। कोर्ट से उन्हें 10 साल की सजा मिली थी, साथ ही साथ 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। कोर्ट द्वारा सजा के ऐलान के ठीक बाद लोकसभा सचिवालय द्वारा एनसीपी से लोकसभा सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। इसके संबंध में लोकसभा सचिवालय ने 13 जनवरी को अधिसूचना जारी की थी। फैजल ने इस फैसले के खिलाफ केरल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैजल की सजा और दोष सिद्धि पर रोक लगा दी। अब राहत मिलने के बाद मोहम्मद फैजल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। See, that's what it's really, you know, a thing which was not expected from the side of Lok Sabha Secretariat. Because the one way the Constitution Body of Election Commission stops their proceedings when this order from the Supreme High Court came on 25th January, and this Constitution, the other Constitutional Body was sitting on the file and not doing anything, which amounted me to, it deprived me in attending the session, which is actually not fair from the side of the Secretary General of Lok Sabha. You think you went to the Supreme Court and that is why this withdrawal has come? That is a fact that I have to knock the door of Supreme Court to get my membership reinstated. Otherwise, this would again, they get delay. That's what I'm, because that was nothing stopping them to get me reinstated all along this date. आपको यहाँ जानकारी दे दें कि जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर किसी सांसद को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उनकी संसद व विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जाती है। इसी कानून के तहत फैजल की सदस्यता रद्द हो गई थी। इसके बाद फैजल ने लोकसभा सचिवालय से सदस्यता को बहाल करने की अपील की थी, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है और उनकी लोकसभा सदस्यता को भी बहाल कर दिया गया है। अब इस मामले के साथ ही ये भी चर्चा उठ चली है कि क्या राहुल गांधी को भी राहत मिल सकती है। लेकिन फैजल के केस से अगर हम तुलना करें तो राहुल गांधी का मामला थोड़ा अलग है। राहुल गांधी ने लोकसभा सचिवालय से अपनी संसदीय सदस्यता को बहाल करने की अपील नहीं की है। ऐसे में संभव नजर नहीं आता कि लोकसभा सचिवालय की तरफ से उन्हें किसी प्रकार की राहत मिल पाएगी।